ये पीछे आपको फोटो दिख रही होगी। इस फोटो को देख के आपने क्या सोचा होगा, क्यों लगा रखी होगी? ये रेलवे ट्रैक है, उसके नजदीक एक टमाटर का पौधा है जिसके एक टमाटर भी लगा हुआ है। हो सकता है कोई रेलवे यात्री यहां से टमाटर खाते हुए गुजरा होगा और कोई बीज गिर गया होगा और वहां पे टमाटर लग गया। आगे क्या सोचा होगा तुमने? तुम लोग शिकायतें बहुत करते हो, इस उम्र में होती है, जब आप थोड़ी सी उम्र दराज हो जाओगे, जैसे बीएड का रिजल्ट आएगा तो देखना आपको वैसी बकवास चीजें नहीं मिलेगी फेसबुक पे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे अभी राजस्थान पुलिस के पोस्टों में मिल जाता है आपको, क्योंकि बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हो पाता। क्योंकि जो लोग किसी गुरुजी से पढ़कर, किसी संस्था से पढ़कर उसकी अगर निंदा करे तो ये मेच्योरिटी नहीं होती। संस्था में 5000 बच्चे होते हैं, 5000 का कभी सिलेक्शन नहीं होता। बात यहां चल रही थी टमाटर की। इस पौधे को आप जैसे बहुत सारे कहते हो कि मुझे जो है वो सही पैसे नहीं मिले, इस वजह मैं पैसे की कमी की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। क्यों अपनी कमियां छुपा रहा है? तुम्हें क्या लगता है इस टमाटर को अच्छी मिट्टी मिली है? जिस मिट्टी की आवश्यकता, ये पत्थरों के बीच में से निकला हुआ है, जिस मिट्टी की इसे जरूरत थी क्या वो मिट्टी मिली है इसे? मुझे सही वातावरण नहीं मिला, मुझे सही माहौल नहीं मिला, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है इसको सही वातावरण मिला है? तुम्हें क्या लगता है इस पौधे को सही माहौल मिला है? रेलवे ट्रैक गुजरे होंगे यहां से, ट्रेनें गुजरी होगी, धुआं ही धुआं हुआ होगा, कहां वातावरण, कौन से गार्डन में लगा है? कोई गार्डन नहीं, पत्थरों के बीच में लगा हुआ है। पता नहीं कितने संघर्ष देखे होंगे इसने। सही नहीं मिला वातावरण, सही कोचिंग नहीं मिली, सही गुरुजी नहीं मिले, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। अरे ना इसे मिट्टी मिली, ना इसे सही वातावरण मिला, हो सकता है बारिश मिली कि नहीं मिली पता नहीं, और फिर भी देखो इसने अपना रिजल्ट दिया है। इस पौधे के टमाटर लगा हुआ है। अपनी कमियां दूसरों के ऊपर मत ठोको, अपनी गलतियों में सुधार करो। एक बच्चा का जन्म हुआ 1809 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। बचपन में उसकी मां गुजर गई। जब वो 31 साल का हुआ तो उसने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में भी वो फेल हो गया। जब 32 साल का हुआ तो उसने चुनाव लड़ा और चुनाव में भी उसकी हार हुई। जब 33 साल का था तो दोबारा फिर उसने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में वो व्यक्ति दोबारा फिर बुरी तरीके से फैल गया और 36 की उम्र में आते आते उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सही हो तुम, और ना ही 33 साल के 36 साल के हुए होंगे। 43 साल में उसने चुनाव लड़ा, कांग्रेस में चुनाव लड़ा और फिर चुनाव हार गया। 48 साल में कांग्रेस से फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया। 55 वर्ष में सेनेट से चुनाव लड़ा, फिर हार गया। और 56 वर्ष में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फिर हार गया। 59 में फिर स्टेट का चुनाव लड़ा, फिर हार गया। और 1860 के अंदर अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना हुए व्यक्ति जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन, दास प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। 1861 से 64 के बीच अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उस समय वही वहां का राष्ट्रपति था। क्या एक ऐसा फलता मेरा राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ, मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसा ही में मेरा हो जाएगा। अरे नालायक कैसी बातें कर रहा है। मैं ऐसे कितने उदाहरण बता दूं जिनका राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ, वो आईपीएस बने हैं। कैसी बातें, इतने नेगेटिव विचार तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम इतने नेगेटिव कैसे हो रहे, ये समझ में नहीं आ रही है मेरे। अपनी कमियां जो है वो दूसरों पर मत ठोको, तुम में कमी रही है। मेरिट ऊंची रह गई, गलत बोल रहा है, तेरे नंबर नीचे रह गए, मेरिट ऊंची नहीं रही है। तुम अपनी कमियां दूसरों पर ठोक रहा है, मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बाहर जाके नहीं पढ़ा, मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने अच्छी कोचिंग नहीं, मेरा इस वजह से सिलेक्शन आ रहे। क्यों कमियां दूसरों पे ठोक रहा है? अपनी कमियों का सुधार कर। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो अपने पीछे की गलतियों का सुधार करते हैं कि मैंने ये गलती की, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ा, इसमें मैं मार खा गया, मैंने रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ी, इसमें मैं अब की बार इसके अंदर करूंगा। और दोबारा मुझे एक का फोन आया, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं घर पे क्या बताऊं? अरे फेल हो गया तो फिर बताना इसमें शर्म वाली क्या बात है? क्या तेरे ऊपर धारा लग गई है? 376 तो नहीं लगी ना जो बताते हो तुझे शर्म आ रही है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तेरे पिता भी किसान है यार, सब समझते हैं वो भी। खेती एक बार नहीं तो क्या दोबारा नहीं करेंगे? खेती एक बार फसल में बारिश नहीं होती क्या दोबारा नहीं करें? वो सब समझते हैं, इसमें शर्म वाली क्या बात थी ये बताओ। दोबारा फिर आगे भर्तियां आ रही है, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, दूसरों पे कमियां, ये हो गया वो हो गया, इनमें अपना वक्त जाया न करो। पीछे जो तुमने गलतियां की उन गलतियों को वापस सुधार करो कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की। मैं अब की बार किसी भी सूरत में, मैं राजस्थान पुलिस हो भले वनपाल हो, मैं जिसकी भी तैयारी कर रहा हूं, मैं अब की बार सिलेक्शन दूंगा। मैं मुझ में गलतियां हैं, मैंने गलतियां की है ये,
इन गलतियों का सुधार मैं करूंगा। दूसरों पे दोष ठोकना बंद करो। जब वातावरण पॉजिटिव हो तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है, जब सिलेक्शन हो तो लगता है कि सब मेरी ही बातें कर रहे हैं, सब मेरी चर्चाएं हो रही हैं, और जब सिलेक्शन ना हो तो दूर खड़ा भी कोई हंस रहा है तो लगता है कि मेरे ऊपर हंस रहा है। माना कि दुनिया जो भी है कुछ भी करती होगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम दोबारा फिर लगो और दोबारा आगे फिर भर्तियां आ रही है। अपनी कमियों का सुधार करो, सुधार करना जरूरी है। कुछ बातें कड़वी भी बोलना जरूरी होती है। तो आप जिनका हुआ उनको हार्दिक बधाइयां, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जिनका नहीं हुआ वो दोबारा, एक हार जो है वो एक पुलिस में सिलेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नालायक हो, तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम में बहुत अदम में साहस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। दोबारा फिर लगो, नई भर्तियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तदवीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले और खुद पे भरोसा है तो फिर एक दाव और लगा ले। ओके, थैंक यू।